आपका वेलकम है इस चैनल पे तजमल सर। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of format is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. हमें बताना है कि ये एक इक्वेशन दी है इसने, ये वाली, हमें और एक एक इक्वेशन इसके साथ डालनी, उसमें आना चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ग्राफिकल लाइन, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इजी है, चलिए हम इसको करते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख के रखा है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई थी। तो हमारे पास जो कंडीशन आनी चाहिए, पहले में इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग इट मीन्स पहली कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको, आप गौर से देखिए, 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी, आप a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/4 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 8 by माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, आप देखो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो पहली कंडीशन हमें आई a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो जब ये कंडीशन आती है तो उस टाइम उस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इट मीन्स दे लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इसके ग्राफ जो होगा वो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर। मैं लिखूंगा यहाँ पर द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन में लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट, आप अगेन आप दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए, दूसरे पार्ट में आना चाहिए पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स तभी होंगे जब हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इसकी सेकंड इक्वेशन क्या आएगी नो सॉल्यूशन में, 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक करेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 2/4, 1/2, b1 बाई b2 3/6, अगेन 3 2s are 6, 1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू -8/5। यहाँ पर देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जिस टाइम ये कंडीशन आती है उस टाइम हम लिखते हैं नो। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इट मीन्स इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, द लाइन्स विल बी पैरेलल। अब थर्ड केस में हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगा क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी जो दी हुई है, तो सेकंड इक्वेशन इसके साथ जो मैंने बना के रखी है, 8x प्लस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने बनाई है, आप दूसरी भी बना सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है दूसरी बनाना, आप इसी को याद रखिए, मैंने बना के रखी है। तो आप चेक करेंगे इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4, अगेन b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4 एंड
C1 by C2 is equal to minus 8 divided by minus 32, minus minus cancel, 1 by 8, 4 is 32. So, kya nikala? A1 by A2, 1 by 4, B1 by B2, 1 by 4, C1 by C2, 1 by 4. So, main likhunga yahan par A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. It means infinite solution and the lines will be coincident. So, ye tha hamara question number 6 jisko humne solve kiya. So, easy question hai. Aap isko achi tarah se practice kare ya aapko zubani yaad rahe.